हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कनेक्शन। आज हमने ESIC से फिर से 6 अपोजिट वर्ड लिए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ऑप्शनल के भी मीनिंग जानेंगे जो कि अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। SSC, CHSL और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बैंक के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये अपोजिट वर्ड तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का अर्थ होता है कांपता हुआ। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी स्पोक इन अ ट्रेमुलस वॉइस, उसने कांपते हुए आवाज़ में कहा। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं ट्रेमुलस के अपोजिट वर्ड के लिए, तो वो है हेल्दी। हेल्दी का अर्थ होता है, आपको पता ही है, स्वस्थ, चंगा या तंदुरुस्त। स्टीडी नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका अर्थ होता है धीर या स्थिर, जो कि ट्रेमुलस कांपते हुए का जस्ट अपोजिट है। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है ओबेस। ओबेस यानी होता है मोटा, स्थूलकाय जिसे कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है यंग। यंग यानी होता है जवान। तो इसमें जो हमारा ट्रेमुलस, जिसका अर्थ होता है कांपता हुआ, जिसका अपोजिट हो गया स्टडी। स्टडी यानी होता है धीर या स्थिर। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं जिसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है, तो वो है फेक। फेक यानी होता है नकली, कपटपूर्ण जिसे कहते हैं, नॉट जेन्युइन। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है रॉन्ग, तो ये हुआ गलत, जो कि फेक का सिनोनिम्स है, अपोजिट नहीं। नेक्स्ट है फैंसीफुल। फैंसीफुल का भी अर्थ होता है काल्पनिक। नेक्स्ट है रियल। रियल यानी होता है जेन्युइन, वास्तविक। तो ये जस्ट अपोजिट है फेक का। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है आइडियल। आइडियल यानी होता है आदर्श, जो कि कल्पना से युक्त होती है, रियल लाइफ में बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो इसमें जो फेक का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा रियल। अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है, तो वो है डिसकॉन्सोलेट। डिसकॉन्सोलेट का अर्थ होता है निराश, उदास या डिसअपॉइंटेड जिसे कहते हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। जॉयस। जॉयस का अर्थ होता है आनंदमय। थैंकफुल। थैंकफुल का अर्थ होता है कृतज्ञ। नेक्स्ट है अनप्रेजिडिस्ड। अनप्रेजिडिस्ड का अर्थ होता है निष्पक्ष। तो जो डिसकंसोलेट है, निराश या उदास, उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आनंदमयी। तो हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है जॉयस, वो हो जाएगा आनंदमयी, इसका जस्ट अपोजिट। तो यही हमारा आंसर है। तो आगे हमने ESIC के और पेपर से 3 वर्ड ले लिए हैं, चलिए उसका भी अपोजिट वर्ड देख लेते हैं। तो उसमें जो पहला वर्ड है वो है बाबरस। बाबरस यानी होता है असभ्य, गंवार, बर्बर या अनसिविलाइज्ड जिसे कहते हैं। इसका हमें अपोजिट देखना है। ऑप्शंस में दिया है एंशिएंट। एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन। नेक्स्ट है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का अर्थ होता है सभ्य। यही हमारा आंसर होने वाला है, जो कि असभ्य का जस्ट अपोजिट है। अगला जो ऑप्शन है वो है जेंटल। जेंटल यानी होता है दयालु। नेक्स्ट वर्ड है सैवेज। सैवेज यानी होता है हिंसक या असभ्य मनुष्य, राक्षस, दैत्य, गंवार भी इसका मीनिंग होता है, जो कि बाबरस का जस्ट सिनोनिम है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो हो गया सिविलाइज्ड। असभ्य का जो अपोजिट है वो होगा सभ्य। तो यही हमारा आंसर है। अगला जो वर्ड है वो है हाइटन। तो हाइटन का अर्थ होता है बढ़ाना, बढ़ना। तो इसका जो अपोजिट है वो हमें ढूंढना है। ऑप्शंस में दिया हुआ है वाइडन। वाइडन यानी होता है चौड़ा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिक्रीज। डिक्रीज का अर्थ होता है घटना, जो कि बढ़ना का जस्ट अपोजिट है। तो यही हमारा राइट आंसर है, डिक्रीज। नेक्स्ट ऑप्शन में है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन यानी होता है शक्तिशाली होना। अगला जो ऑप्शन है वो है डिजॉल्व। डिजॉल्व यानी होता है घुलना, घोलना। तो जो हमारा राइट आंसर है अपोजिट वर्ड वो है हाइटन का अपोजिट, डिक्रीज। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं कौन सा है, जो कि है डूबियस। डूबियस यानी होता है संदेहास्पद, संदिग्ध या अनिश्चित। ऑप्शंस में दिया हुआ है शेडी। शेडी यानी होता है छायादार या गैर कानूनी। नेक्स्ट ऑप्शन है डेलीरियस। डेलीरियस यानी होता है बेहोश, अचेत अवस्था में होना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लैकोनिक। लैकोनिक यानी होता है संक्षिप्त या इसे कह सकते हैं मितभाषी। अगला जो ऑप्शन है वो है सर्टन। सर्टन यानी होता है निश्चित। तो ड्यूबियस जहाँ पर संदेहास्पद है, अनिश्चित है, तो वहीं पर इसका जो जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित, यानी सर्टन इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा।
पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें इसी तरह अच्छी अच्छी छोटी छोटी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।